नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वन इंडिया हिंदी में। कोरोना वायरस के कहर से कई देशों के राजनेता और खिलाड़ी भी अछूते नहीं हैं। यूरोप में इन दिनों कोरोना तबाही मचा रहा है। दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 7,000 के पार जा चुका है। इटली में पिछले 24 घंटे में 349 तो स्पेन में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन के युवा फुटबॉल कोच फ्रांसिस्को गार्सिया भी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं और उनकी मौत हो गई है। बता दें, फ्रांसिस्को एथलेटिको पोटाडा क्लब में कोच थे, वो सिर्फ 21 साल के थे। जानकारी के मुताबिक वो कैंसर का इलाज भी करवा रहे थे। इस दौरान कोरोना ने उन पर हमला कर दिया। पहले से ही वो एक बीमारी की चपेट में थे और ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई थी। बता दें, अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। दुनिया के 141 देश कोरोना के कहर को झेल रहे हैं। बड़े बड़े खेल के आयोजन रद्द कर दिए गए हैं या फिर उनकी तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। आपको बता दें, कहीं कहीं अगर मैच हो रहे हैं तो उन्हें बिना दर्शकों के ही कराया जा रहा है। बता दें, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज के दोनों मैच कोरोना वायरस के खतरे के चलते रद्द कर दिए गए हैं। अब ये सीरीज फिर से नए शेड्यूल के साथ आयोजित की जाएगी। वहीं आईपीएल को भी 17 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। पहले ये 29 मार्च से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन इसे 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि अब आगे बीसीसीआई क्या फैसला लेता है, इस पर सभी फैंस की निगाहें जमी रहेंगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।